दिल्ली में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित कालकाजी इलाके का है, जहां एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने बुलाकर बीए की छात्रा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब छात्रा ने अपने साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने छात्रा का मोबाइल लेकर अपने मोबाइल पर कुछ एसएमएस किए और लड़की को धमकाते हुए कहा कि वो सबको बोलेगा कि छात्रा उसको मैसेज करती थी। आज दोपहर को मेरी बेटी को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया गया था। कल भी बुलाया था, कल वो गई नहीं थी 7:30 में, शाम को बुलाया था पर वो गई नहीं थी। आज दोपहर को 11 बजे गई थी, 11 बजे उसको गई तो क्लास अटेंड करके 12 बजे आ गई थी, तो 1 बजे दोबारा उसको बुलाया था। आने का टाइम दिया था कि 1 बजे दोबारा आना पढ़ने के लिए, तुम्हारे एक्स्ट्रा पढ़ाई होगी, तुम्हारी अकाउंट्स के ना एक्स्ट्रा पढ़ाई होगी। तो अकाउंट्स के लिए जैसे वो गई है तो उसके साथ उसको सर ने उसे कैबिन में अलग से ले गए, उसने बताया मुझे ऐसे ऐसे मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहा है। तो शाम को जैसे वो घर पर आई है रोती हुई आई, मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहा है। भाई मिला, मैं तो मिली नहीं थी, भाई मिला था, भाई से ही मुझे खबर मिली कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो मैं एकदम से वहाँ इंस्टीट्यूट पहुँची, सर वहाँ से गायब हो चुका, वहाँ से पुलिस वहाँ पर आई हुई थी, सर वहाँ से गायब हो गया था। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।